आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में वर्ष 2015 में भारत चीन सीमा से लापता हुए टापुर पुलम के परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन किया। परिवार वालों का ऐसा मानना है कि वर्ष 2015 में टापुर पुलम को चीन की सेना के द्वारा अगवा कर लिया गया था। इसी को लेकर टापुर पुलम के परिवार वालों का कहना है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द टापुर पुलम को भारत सरकार चीन से वापस लाए। परिवार वालों ने आज ईटानगर में हुए धरना प्रदर्शन में ऐसा आरोप लगाया है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। टापुर पुलम के परिवार वालों ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द चीन से बात करके टापुर पुलम को वापस भारत लाया जाए। वहीं टापुर पुलम के परिवार वालों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अगला विरोध प्रदर्शन दिल्ली में किया जाएगा। जिसको 2015 में अगवा कर लिया गया था चाइनीज केले द्वारा, तो ये धरना एक्चुअली हम यहाँ पे उसको वापसी के लिए हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने मोनेगांव में 1 तारीख को हम लोग ने पीसफुल रैली करवाया था। इसके बाद में हम 2 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काकोर में ही हमने करवाया। वो दो करवाने के बाद भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के ओर से कोई लेटर या कोई ऑफिसर कोई कुछ कवर नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए इसी मतलब सेकेंड उम्मीद पे हम ये दोबारा धरना एक पीसफुल धरना यहाँ ईटानगर में करवा रहे हैं। अगर इस धरना का बाद भी अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप लोगों का फर्दर एक्शन क्या रहेगा? इस चीज़ को लेकर तो अभी तक हमने सोचा नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर किसी का थ्रो से हम किसी को मिल पाते ऐसा नहीं है। बट एज ए पब्लिक हम कोशिश करेगा कि हम मोदी जी से और अमित शाह सर से मिलने के लिए, एंड थ्रू मीडिया अगर मोदी जी और अमित शाह सर जी अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमको मिलिए। अपना जो कीमती वक्त है उसमें से 5 मिनट भी हो हमें दीजिए, हम आपसे मिलने दिल्ली तक आएगा, जैसे भी करके हम आएगा, एनी हाउ एनी। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.